नेमिंग को हम फंक्शनल नेमिंग है ना, जिसमें फंक्शनल ग्रुप होंगे, और अभी हम यही कोशिश करते हैं कि एक ही फंक्शनल ग्रुप है तो कैसे करेंगे। ठीक है, तो नेमिंग ऑफ फंक्शन ग्रुप, नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड विच हैविंग फंक्शनल ग्रुप। तो सबसे पहले हम प्रायोरिटी ऑर्डर पे ही करते चले जाते हैं, कोई ज्यादा खास दिक्कत नहीं आएगी। सबसे पहले कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। अब जानते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड COOH को हम कार्बोक्सिलिक एसिड बोलते हैं। अगर हम टेबल बनाते हैं, टेबल हमारे को ये हेल्प करती है कि फंक्शन ग्रुप क्या है, COOH। प्रेफिक्स, देखिए प्रेफिक्स ये होता है, ये बताता है कि अगर कोई फंक्शन ग्रुप वीक पड़ जाए, उससे भी स्ट्रॉन्ग फंक्शन ग्रुप उसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में है, तो फिर हम उसे लोकेंड बना देते हैं। लोकेंड यानी कि सीधा पीछे की, सबसे लो प्रायोरिटी, सबसे सीनियर प्रायोरिटी फंक्शन ग्रुप, फिर मल्टीपल बॉन्ड, फिर लोकेंड। तो प्रेफिक्स, तो इससे सीनियर तो कोई है ही नहीं, लेकिन आप सोचो इससे सीनियर कौन है, COOH। शेर से बड़ा कौन होता है, शेर ही होता है। तो वैसे ही COOH से बड़ा कौन होगा, COOH। एक ऐसी चेन जिसमें दो COOH आ रहे हैं और एक ऐसी चेन जिसमें सिर्फ एक ही आ रहा हो, तो फिर हम प्रेफिक्स की तरह ट्रीट करेंगे। तो क्या बोलेंगे इसको, तब भी कार्बोक्सिलिक एसिड ही हमारे लिए आएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड लिखते जाएं। और सफिक्स, सफिक्स में दो बातें आती है, क्योंकि ये कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है, तो कार्बन अगर नहीं है तो ऑइक एसिड, और अगर कार्बन काउंट नहीं हो पा रहा है, कार्बन काउंट हो रहा है तो ऑइक एसिड, नहीं हो पा रहा है तो कार्बोक्सिलिक एसिड। तो IUPAC नेम क्या होगा इसका, अगर IUPAC नेम की बात करें तो एल्केन नोइक एसिड। इसमें ओइक एसिड की पोजीशन बताना जरूरी नहीं है, क्योंकि वो तो हमेशा फर्स्ट पे ही होगा। तो हाँ, मेरा नाम क्या होगा, मेरा नाम होगा वर्ड रूट, जो कि कार्बन को बताएगा, इन और आइन, एन इन आइन में से एक पकड़ूंगा मैं, और ओइक एसिड इधर, और इस तरफ लोकेंड नेम, ये मेरे साथ रहेगा। फिर अपन प्रैक्टिस करेंगे तो धीरे धीरे हमें समझ में आ जाएगा। तो यहां नाम कार्बोक्सी ही रहेगा, क्योंकि एसिड तो हम लास्ट में सफिक्स के साथ ही लिखेंगे। अब कुछ एग्जाम्पल के साथ हम प्रैक्टिस करते हैं। HCOOH, कितने कार्बन की चेन है, एक। क्या इस कार्बन को मेन चेन में काउंट कर सकते हैं, हाँ। तो इसका नाम क्या होगा, मैथे नोइक एसिड, पक्का। अगर एक और कार्बन बढ़ा दिया हमने, एथेनोइक एसिड, एक और कार्बन बढ़ा दिया, प्रोपेनोइक एसिड, एथेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड। अब अगर कभी ऐसा हुआ, एक और बढ़ा दिया, ब्यूटेनोइक एसिड, समझ में आ रही है, और कुछ इस तरह का ले लिया,
अब आप ये बताइए क्या इस कार्बन को मेन चेन में काउंट कर पा रहे हैं? नहीं, पक्का? तो अब इसका नाम क्या है? साइक्लोप्रोपेन, साइक्लो प्रोपे ओइक नहीं बोल सकते इस समय, क्यों? क्योंकि कार्बन नहीं हो पा रहा, तो कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, इस बात का ध्यान रखेंगे। अब दो कार्बन हो गए तो ऐसा तो नहीं बोल सकते कार्बो कार्बोक्सिलिक एसिड, तो अब हमें मजबूरी में, क्योंकि कर नहीं सकते, तो चेन इसको बनानी पड़ेगी। पक्का? ये चेन हमारे पास रहेगी मेन, तो नंबरिंग इस तरफ से करें या सी डबल ओ एस से? सी डबल ओ एस, क्योंकि वो फंक्शन ग्रुप है, 1 2, बस इतनी सी चेन। तो 2 पे क्या रहेगा? साइक्लो प्रोपाइल, लोकेट बन गया वो साइक्लोप्रोपाइल, वो चेन में है ही नहीं अब, साइक्लोप्रोपाइल। तो इसको क्या बोला जाए? कितने कार्बन है? दो, तो कैसे बोलेंगे? एथेनोइक एसिड। यहां तक क्लियर है? तो चलिए इसको बताएं आप, इसका नाम क्या होगा? एग्जाम्पल्स जितने करेंगे उतना ही कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। अर्पिता, क्या नाम होगा बेटा इसका? अर्पिता क्या? हाँ, अर्पित, साइक्लो, चल साइक्लो प्रोप, 1 इन या 2 इन या कुछ भी नहीं, 1 इन 2 इन, क्योंकि बेटा वैसे तो अपन इसको प्रायोरिटी देते, लेकिन फंक्शन ग्रुप है तो फिर मल्टीपल बॉन्ड की प्रायोरिटी क्या हो जाती है? सेकंड। तो यहां से स्टार्ट होगा 1, इसको कवर करना है 2 3, तो साइक्लोप्रोप 2 इन नोइक एसिड, नहीं ओइक नहीं, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। हाँ बेटा, 2 इन ई यहां, हाँ जनरली यहां तो आ सकते हैं, ओ के साथ नहीं आते। अच्छा चलिए ठीक है, सी डबल ओ एच, अब इसका नाम क्या होता बताएं इसको? क्या नाम होगा इसका? साइक्लोप्रोप 1 2, तो 1 इन कार्बोक्सिलिक एसिड, सही है? अच्छा है, वेरी गुड। सी 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 इस तरह से है, कैसे करें हम? कितने कार्बन की चेन होगी सबसे बड़ी? कितने कार्बन की होगी जल्दी बताएं इसको? पक्का? इससे ज्यादा बड़ी नहीं मिल पा रही? 4 कार्बन की, मुझे भी 4 कार्बन की दिख रही है, ये सबसे बड़ी है, क्यों? इससे भी बड़ी है, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा फंक्शन ग्रुप है, तो क्या किया जाए इसका? 1 2 3 4 5 6, ये गलत है। सही क्या है? 1 2 3 4, तो इसका नाम होगा आपके लिए 2.6, सॉरी 2.4, इधर से नंबरिंग होगी 1 2 3 4, तो 2.3 डाई इथाइल ब्यूटेन डाइओइक एसिड। अब बताइए इसका नाम क्या होगा? हाँ बेटा, यहां नहीं, जब डाइओइक होगा ना, या ट्राइओइक हो,
ट्राई तो पॉसिबल नहीं है, डाई होगा तो वन और फोर ही होगा या वन और लास्ट ही होगा इस जगह, तो इसमें कोई और ऑप्शन ही नहीं हो सकता, कॉर्नर पे ही है तभी, इसलिए पोजीशन की जरूरत नहीं है, यहां जरूरत पड़ सकती है। देखो तो पहले आप छोड़ो सारे काम, आप तो बस मुझे ये बताओ ये मैक्सिमम कितने कार्बन जा सकते हैं इसमें, ये चेन कैसे सेलेक्ट करेंगे, तीन सी डबल ओ एच ग्रुप है, मुझे नहीं मालूम, तुम पहले अपनी पुरानी नॉलेज से आंसर दो इसका। हाँ नो कार्बन की चेन है, मतलब किसको मेन चेन बनाई जाए, मैं कुछ एग्जांपल बनाता हूं, क्या इसको मेन चेन बना लूं मैं या किसी और को बनाऊं मैं, इसी को मेन चेन बना ले, इसमें तो एक भी सी डब्ल्यू एच नहीं आ रहा, बिल्कुल सही है। देखिए हो ये रहा है कि अगर मैं इस तरह से छोटी चेन बनाता तो ज्यादा ज्यादा ये वाली बन सकती थी, कितने कार्बन की बनती, एक दो तीन चार पांच, पांच की बनती, इसमें कितने ओइक आ सकते थे, दो, लेकिन फिर दिक्कत आ जाती, दो को तो आपने ले लिया एक को नहीं ले रहे, यदि एक जैसे ही फंक्शन ग्रुप दो से दो या दो से ज्यादा है तो कोशिश करो सबके सब लेने की, क्या सबके सब कब आ पाएंगे, जब ये चेन हो, और फिर इसको ओइक नहीं बोल के हम क्या ले लें, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये रूल बाद में चेंज हुआ, पहले नहीं था, आजकल हम इसी रूल से नेमिंग करते हैं कि एक जैसे सभी फंक्शन ग्रुप जो सीनियर है उनको सबको एक साथ लाने की कोशिश करो और बड़ी से बड़ी चेन बनाने की कोशिश करो, अगर मल्टीपल बॉन्ड आ रहे हैं तो ज्यादा ज्यादा मल्टीपल बॉन्ड लाने की कोशिश करो, अगर ये सपोज इधर चल जाती और दो ही कार्बन की रहती है तो मैं उस मल्टीपल बॉन्ड को लाता न कि कार्बन एटम्स को ज्यादा लाने की कोशिश करता। तो इस हिसाब से अब नंबरिंग यहां से कर दो, क्यों, क्योंकि यहां से पास है, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन, तो यहां पर आपको कार्बोक्सिलिक एसिड की पोजीशन भी बतानी पड़ेगी, नाम क्या होगा, नोनेन, नोनेन थ्री कॉमा फोर कॉमा फाइव ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, ये बहुत सही है। तो आपने कार्बोक्सिलिक एसिड के कितने पढ़ लिए, बहुत सारे ना, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं आनी चाहिए, दिक्कत कब आती है, इसका नाम देने में दिक्कत आती है, क्यों, क्योंकि दोनों सी डब्ल्यू एच को ला ही नहीं सकते आप, आ रही है बात समझ में, तो फिर मैं क्या करूंगा, तो मेरे लिए इस जगह मेन चेन कौन सी हो जाएगी, ये, क्योंकि इसमें ज्यादा कार्बन एटम आ रहे हैं, सही है ना, तो यहां पर मेरे पास क्या नाम होगा, ये लोकेंड बन जाएगा पूरा, अब मुश्किल है तो लोकेंड तो बनाना ही पड़ेगा इस जगह, कोई कहता है कि सी डब्ल्यू एच को लोकेंड हो ही नहीं सकता, यहां हो रहा है ना, अब क्या करें, दोनों सी डब्ल्यू एच ग्रुप है लेकिन मैं चाह रहा था तो भी नहीं हो पा रहा, ना तो ओइक की फॉर्म में ना कार्बोक्सी की फॉर्म में, तो फिर मैंने क्या किया, इसको नंबरिंग यहां से कर दी वन टू और नाम क्या दे दिया, टू पर, टू मिथाइल कार्बोक्सी, लेकिन कॉम्प्लेक्स है तो कार्बोक्सी मिथाइल, इसकी पोजीशन बताने की जरूरत नहीं क्योंकि एक ही पोजीशन है, क्या बेटा, तो फिर नहीं बेटा, कार्बोक्सी में अपने आप में कार्बन एक इन्वॉल्व आ गया, ठीक है ना, इसलिए इसका नाम हो जाएगा टू कार्बोक्सी मिथाइल। अब मेन चेन साइक्लो प्रोपेन, साइक्लो प्रोपेन कार्बोक्सिलिक एसिड,
ये अच्छा एग्जाम्पल हो गया, आपको ये सोचते हुए कि इथाइल लगेगा, या कुछ छोटी छोटी बातें होती है जो मुझे आपको डिस्कशन के साथ ही दूर करनी है। कुछ समझ में आया? ये गलत हो सकता था आपका। नेक्स्ट, अगर यहां पर कुछ ऐसा होता, तो फिर तो तीनों को ला सकते थे आप। अब तो आपको लोकेन बनाने की जरूरत ही नहीं बनती। तो क्या लिखते इसका? साइक्लो प्रोपेन 1.2.3, 1.2.3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। सही है, बोलो यस। तो ये छोटे छोटे काम है। हमसे ये पूछा जा रहा है 2019 में कि सक्सेनिक एसिड का आईयूपीएसी नेम क्या है। तो पहले तो ये सोचो सक्सेनिक एसिड है कैसा। ये क्वेश्चन बहुत खराब होते हैं। सक्सेनिक एसिड का आईयूपीएसी नेम क्या है, तब क्या रहेगा इसका? गलत, ब्यूटेन डाइओइक एसिड, ब्यूटेन डाइओइक एसिड। क्या डाइओइक में आपको 1,4 लगाने की जरूरत है? नहीं, ओइक में तो हमेशा लास्ट और फर्स्ट ही होगा। ब्यूटेन डाइओइक एसिड, डैश भी नहीं लगाने की जरूरत है। एक है मैलिक एसिड, तो यहां पर ब्यूट टू इन डाइओइक एसिड, ये भी अच्छा है। क्या नाम है इसका? मैलेइक। फ्यूमेरिक होता तो भी आईयूपीएसी नेम तो यही रहता है। व्हाट इज द आईयूपीएसी नेम ऑफ मैलिक एसिड? मैलिक एसिड यही है। हमने तीन पढ़े, मैलोनिक, मैलिक और मैलिक एसिड। अब बताओ इसका आईयूपीएसी नेम क्या होगा? मेरे हिसाब से अब दिक्कत आ गई। क्यों? क्योंकि दो फंक्शन ग्रुप आ गए, जबकि अपन नेमिंग क्या पढ़ रहे थे? एक ही फंक्शन ग्रुप है। तो अब ये दूसरा फंक्शन ग्रुप है, ये लोकेंड बन जाता है ऑटोमेटिकली। तो इसका आईयूपीएसी नेम में अपन इसका प्रेफिक्स नाम लिखते हैं, और वो है हाइड्रोक्सी। नंबरिंग यहां से करें या यहां से? यहां से, क्योंकि ओएच पास आ रहा है। अच्छा ठीक है, ये तो यहां पर आ रहा है। अगर यहां बीआर लगा होता तो ओएच सीनियर होता या बीआर? बीआर, सही है, सही पहचाना। क्योंकि सी डब्लू एच आने के बाद सारे छोटे मोटे भगवान क्या बन जाते? इंसान। और सब फिर वो ब्रोमीन क्लोरीन की तरह ट्रीट होते हैं। लेकिन अभी तो फिलहाल मेरे को इसका निकालना है, तो 2-हाइड्रोक्सी, बाकी तो वो रहा ब्यूट 2-ईन डाइओइक एसिड। अच्छा एलके ने ध्यान ही नहीं रहा, बता ब्यूटेन ही हो गया है। कोई डाउट नहीं होना चाहिए, पक्का। व्हाट इज द आईयूपीएसी नेम, ऐसे भी पूछा जा सकता है। बहुत सारे कॉमन नेम हमने दे लिए। अभी क्योंकि मैंने ऑर्गेनिक के नहीं कराए, लेकिन हाँ ये तो हो सकता है कि हम कुछ भी दे सकते हैं। ऑन व्हाट इज द आईयूपीएसी नेम ऑफ ऑक्जेलिक एसिड? ऑक्जेलिक एसिड का एग्जाम्पल तो लो आप। ऑक्जेलिक एसिड सी डबल ओ एच, क्या होगा? इथेन डाइओइक एसिड, सही है।
तो जब मैं आपको बता रहा था, जैसे मैंने आज एक अप्रोच भी बताया, ऑक्सेलिक दो सी डबल ओ एच में जीरो एटम कार्बन एटम, फिर आता है मेलोनिक एक, फिर सक्सेनिक दो, फिर ग्यूटेरिक एसिड तीन, फिर ऐसे ऐसे आपको याद रखना है, ओम्स गैप बन जाता है, OMS GAP, और हर एक का नाम पूरा याद होना चाहिए और उनके बीच में कितने कार्बन एटम है एक एक करके बढ़ाते जाओ। एडिपिक एसिड ए का मतलब, तो अब आपसे कह दिया जाए व्हाट इज द IUPC नेम ऑफ एडिपिक एसिड, तो आप OMS GAP लिख दो, और कितने कार्बन एटम है यहाँ पर, 0, 1, 2, 3, 4, 4 कार्बन एटम है COOH के बीच में, तो आप आराम से बोल सकते हो हेक्सेन डायोइक एसिड। आ गई बात समझ में? इस तरह का मेरे को आपका परफेक्शन चाहिए कि आपको कॉमन नेम देख के अगर IUPAC पूछा जाए तो आप अटके नहीं। चलिए एक और एग्जाम्पल करते हैं, नंबरिंग कहां से करें, क्या नाम होगा इसका? भाई मेरे लिए सबसे बड़ा होता है भगवान यानी फंक्शन ग्रुप, फिर मल्टीपल बॉन्ड यानी देवता, फिर उसके बाद लोकेंट। यहाँ लोकेंट तो है ही नहीं, यहाँ पर तो सिर्फ फंक्शन ग्रुप ही है, तो मैं चाहता हूँ कि मेरे पास ज़्यादा ज़्यादा आ सके भगवान पहले से पहले, तो मैं या तो यहाँ से करूँगा वन या फिर यहाँ पर, यहाँ से करता हूँ मैं, समझना। क्या है मेरे पास बेनिफिट देखते हैं, 1, 2, 3, कोई दिक्कत नहीं है, 1, 2 पे आ गया और इन भी आ गया, या फिर मैं यहां से करूं 1, 2, 3, इसमें भी 1, 2 तो आ रहा है लेकिन इन की पोजीशन क्या हो गई, 3। क्या बेटा, 1 मिनट, फिर देखो ये दोनों COOH पहले लेने, पक्का मैंने यहां से लेना शुरू किया 1, 2, सही है, और 3। एक और बार बनाते हैं इस कंपाउंड को, दोनों बार बनाते हैं, आप चाहते क्या हो, इससे करूं मैं नंबरिंग, इससे तो मैंने करी है, इससे करूं मैं 1, 2, चलो एक और देख लेते हैं, 1, 2, 3, ये आपको लग रहा है कि सबसे ज्यादा पास पास COOH किसमें आ रहे हैं, फर्स्ट में और सेकंड में, तो फिर मैं इसको तो वैसे ही गलत कर दूंगा, कवर करना चाहिए लेकिन तब तक जब तक कि फंक्शन ग्रुप नहीं हो, लोकेंट होता तो मैं सबसे पहले उसको लेता, अभी तो फंक्शन ग्रुप आ गए तो फंक्शन ग्रुप पास में होने चाहिए भले ही डबल बॉन्ड फिर कहीं पे भी हो, इज दैट क्लियर? तो ये बहुत अच्छा है, अब इन दोनों में ही 1, 2, 1, 2 आ रहा है लेकिन इसमें इनकी पोजीशन क्या आ रही है, 2, तो मेरे हिसाब से हमारे हिसाब से नाम क्या होना चाहिए फिर, चलिए क्या नाम रखें इसका, 3 ब्रोमो साइक्लो प्रॉप 2 इन, वैसे तो 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड,
डाई ओइक क्यों नहीं लिख रहे हम? क्योंकि कार्बन काउंट नहीं हो पा रहा। कुछ कुछ क्लिक करा अच्छे से, यस और नो, तो ये तो हमारे लिए गलत हो गया, भूल जाओ अब इसको। तो अगर हमारे पास ये होता बस ये होता, अब बताओ क्या होता है इसका नाम? नंबरिंग हम यहां तो वन तो करते ही करते हैं, क्योंकि इसके अलावा और कोई फंक्शन ग्रुप नहीं है। आप कहेंगे ओएच, ओएच फंक्शन ग्रुप कहाँ है? वो तो अब लोकेंड बन चुका है। तो जब लोकेंड बन चुका है तो किसको प्रायोरिटी दोगे, ओएच को या डबल बॉन्ड को? डबल बॉन्ड को। तो 1 2 3, 1 2 3 कैसे होगा ये? 1 2 3 बिल्कुल सही जा रहे हो, 3 हाइड्रोक्सी साइक्लो प्रॉप वन इन कार्बोक्सिलिक एसिड। मैं अगर पेपर में बनाता ना तो ये क्वेश्चन बनाता, इसमें गलतियां करवा देता मैं बच्चों से। इसके बहुत सारे ऑप्शंस जो जो आप बता रहे हो ना वो सब मैं लिखूंगा अपनी बुक में कि ऐसे ऐसे बच्चे गलतियां करते हैं। ये नहीं करेगा बच्चा, कर दे, बच्चा तो बच्चा है, बच्चे मन के सच्चे। बच्चा तो एग्जाम में 2+2 भी 5 लिख सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां तक सही है, आ गया समझ में? इज दैट क्लियर? चलो इसको देखते हैं। क्या नाम होगा? नंबरिंग कहां से होगी? वन तो यही होगा, सी डबल ओ एच डबल बॉन्ड। अगर ये ओ एच की जगह सी डबल ओ एच होता तो ब्रोमीन की तरफ चल जाती, घूम जाती। 1 2 3 4 5 6 7 क्या नाम होगा इसका? 6-bromo-5-hydroxy-cyclohex-2-ene-carboxylic acid। सही है, कोई ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं पड़ रहा है, बहुत आसान से हो रहा है। आपको भी आइडिया लग गया मेरे साथ करते करते। देखिए हमें पहला फंक्शन ग्रुप है तो हमारे को थोड़ी हो सकता है कि ज्यादा एग्जाम्पल की जरूरत हो। हम जितने भी आगे पढ़ेंगे ना उसमें तो बहुत आसान रहेगा, आपको बस लिस्ट याद करनी है और उनके दो दो नाम, किसी के चार भी हो तो वो याद कर लेने हैं बस। फिर रूल्स सारे एक जैसे रहेंगे, ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी हमारे को। यहां तक क्लियर है? पक्का? चलिए मैं अपनी तरफ से बना के देता हूं एक सबसे खराब। दीजिए इसका नाम, सॉरी ठीक है, करें क्या यार, देना तो पड़ेगा ही। और अगर लग रहा है ना तो यहां पर OH भी लगा दो, अब आएगा मजा। दीजिए इसका नाम क्या होगा? इतना तो आप समझ ही गए कि सी डबल OH को फर्स्ट प्रायोरिटी देनी है, लेकिन ऊपर वाले से या नीचे वाले से?
कर दिया। देखिए मेरे को ऐसा लग रहा है कि नंबर वन ये वाला जाएगा, सही किया मैंने। अब इधर से जाता है आइन, इधर से जाता है इन, कौन बड़ा है इन या आइन? वो इन और आइन में कौन बड़ा है ये बाद में देखते हैं, उससे पहले क्या देखते हैं किस तरफ लोकेंट ज्यादा है। अल्फाबेटिक से ही तो इन और आइन का बड़ा पता लगाते हैं, और अल्फा ऑर्डर कब लगता है? सबसे बाद में जाके, तभी तो इन और आइन हमारे लिए क्या है? बराबर है। आपका आंसर होना चाहिए जब तक लोकेंट है तब तक बराबर है। ठीक है भैया, इधर भी जा सकते हैं, इधर भी जा सकते हैं, लेकिन इधर लोकेंट पहले आ रहा है। लोकेंट भी कौन सा आ रहा है? ब्रोमीन। इस तरफ OH, OH फंक्शन ग्रुप है या लोकेंट है? लोकेंट है, क्योंकि सी डबल OH के होते हुए OH 10। अब उधर से OH पहले आ रहा है, वो हाइड्रोक्सी है, यहां BR आ रहा है, ब्रोमो है, तो अल्फाबेटिकली ब्रोमीन को वेटेज ज्यादा हो गई। अब अल्फाबेटिक ऑर्डर लगने लग गया, अब अल्फाबेटिक ऑर्डर लगेगा सबका। तो चलिए दोनों तरफ, तो मेरे हिसाब से नंबरिंग इधर से ही होगी और आपके हिसाब से भी इधर से ही है। 1 2 3 4 5 6, तो इसका नाम क्या होगा? 2 ब्रोमो 3 हाइड्रोक्सी, साइक्लोहेक्स 2 इन 5 आइन लिखूं या 6 आइन लिखूं? जहां से स्टार्ट होता है 5 आइन 1.4 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। इजी, वेरी इजी, वेरी इजी, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। सल्फन में सल्फोनिक एसिड आ जाएगा, सब जगह धीरे धीरे हम करते चले जाएंगे, बस जितना दिमाग लगाना था ये शुरुआत के एग्जाम्पल और प्रैक्टिस पे आ रहा है। कोई और प्रॉब्लम जो अभी आज पढ़ाई और नहीं समझ में आया? आ गया सब कुछ समझ में?